श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले महाराज स्त्री क्यों बोले, कृष्णाय नमः बोल सकते थे ना, कृष्णाय वयम नमः। बोले स्त्री बने श्री राधा जी, स्त्री बने राधा सहित जो कृष्ण है, अकेले कृष्ण नहीं, उनके चरणों में हम लोग क्या करते हैं, कोटि कोटि नमः। जय जय श्री राधे। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में आप बैठे बैठे अपने मन की स्मरण का संकल्प, मन से वाणी से भगवान के चरणों में श्रीमद भागवत जी में प्रार्थना करिए, ठाकुर जी हमारे जीवन के भी जितने ताप हैं, पाप हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, कलत्र हैं, सब मिटाओ और आखिरी में हमें अपने धाम बुला लो, अपने चरणों में हमारा मन लगा लो। बोले मां के बिहारी लाल की जय। तो आइए चलते हैं भगवान के श्री हरि के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। पूर्वा के बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। Thank you.
जाओ,
सच्चिदानंद पाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में मन को लगा लीजिए। कलयुग में क्या है, बहुत पूजा करेंगे, बहुत पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सामग्रियां शुद्ध नहीं मिलती। बाजार से जो आप चंदन लगाते हो पीला वाला ठाकुर जी को, वो क्या है, केमिकल है। चंदन की लकड़ी मंगाइए शुद्ध, गुलाब जल मंगाइए, केसर डालिए, फिर लगाइए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। आजकल ना जाने लोग क्या क्या पोत देते हैं भगवान के सिर पे, वो ठीक है। कलयुग में इसीलिए कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम लीजिए, नाम ले लो प्रभु का कल्याण हो जाएगा, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। मुरली वाले ऐसे करेंगे कृपा, मुरली वाले ऐसे करेंगे कृपा, तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम ले लो प्रभु का काम हो जाएगा। नाम लीजिए प्रभु का, तारीफ करना है तो भगवान की करिए, और बुराई करना है तो स्वयं की करिए, अपनी बुराई करिए, अपनी बुराई जितनी हो सके ठाकुर जी के पास जाइए और करिए, तो क्या होगा, बुराई जब निकल जाएगी तो क्या होगा, फिर अच्छाई आ जाएगी। तो भगवान के चरणों में क्या करना है, मन को लगाना है। श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। पर कैसे प्रणाम करना है, देखिए भगवान के दो नियम बहुत प्रिय लगते हैं, भगवान को दो चीज बहुत प्रिय है, कौन सी, सुमनः नमनः चैव, सुमन और नमन। सुमन और भगवान को सुमन और नमन। सुमन होता है अपने अच्छे मन को भगवान के चरणों में गड़ा देना, सुमन। तो नमन मने क्या होता है, भगवान के सामने झुक जाना। सुमन में सुंदर मन चला जाता है भगवान के चरणों में, और नमन में हम क्या होते हैं, ना मन यानी बिना मन वाले हो जाते हैं। जब हमारा मन भगवान के चरणों में चला जाएगा तो यहाँ वहां भटकेगा नहीं, क्योंकि मन ही हमको भटकाता है। अर्जुन कहते हैं ना गीता में, मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। हे ठाकुर जी, हे गोविंद, मेरा मन मेरे बस में हो नहीं रहा, और आप कहते हो धनुष उठाओ बाण चलाओ, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। भगवान बोलते हैं एक काम करो, एक बार मुझे नमन कर लो, मेरे सामने झुक जाओ, तुम्हारा मन मेरे सामने आ जाएगा, मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, फिर तुम जो चाहोगे वो होगा। मन बहुत तेज चलता है, मन इतनी गति से चलता है कि भगवान के बाद संसार में पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाला कोई है तो वो है हमारा मन, भगवान के बाद। आपको यहाँ से जबलपुर जाना हो, इंदौर जाना हो, 10-12 घंटे लगेंगे, विदेश जाना हो तो समय लगेगा, पर मन आपका एक सेकंड में, एक क्षण में इंदौर पहुंच जाएगा, मुंबई पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, दिल्ली, जहां जहां आप गए होंगे आपके मन में विचार आएगा और मन आपका वहीं पहुंच जाएगा, वृंदावन भी पहुंच जाएगा। पर अच्छी जगह मन ज्यादा नहीं जाता, मन वहां जाता है जहां हमारा मन खराब हो जाता है। तो मन सुमन और नमन, भगवान के चरणों में मन को लगाइए, अपने मन को भगवान को दे दो। भगवान कहते हैं मुझे मन बड़ा प्रिय है। किसी संत ने पूछा, महाराज प्रभु ठाकुर जी आप दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति भगवान है, साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, आपके पास मन नहीं है क्या, तो आप हमसे मन मांगते हो। तो भगवान बोलते हैं मेरा मन श्री राधा रानी ले गई है। कौन ले गई है, मेरे मन को राधा रानी ने चुरा लिया है।
और जो चीज इसके पास नहीं होती वही तो मांगता है ना। प्यासा व्यक्ति पानी मांगता है, भूखा व्यक्ति भोजन मांगता है, जिसके पास वस्त्र ना हो वस्त्र मांगता है। तो संत कहते हैं ठाकुर जी आप इतने गरीब हो, आपका मन आपके बस में नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने मन को राधा रानी के चरणों में लगा दिया है। राधा रानी एक बार मेरे मन को हरण करके ले गई, तब से मैंने कहा किशोरी जी मेरे मन को आप वहीं रखिए। किशोरी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, ठाकुर जी अब आप सबका मन लिया करो, आपका मन मेरे पास है और दुनिया वालों का मन आप अपने पास ले लो तो क्या होगा, सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राधे। क्या करना है हमें, अपने मन को भगवान में लगाना है। अपने मन को कम से कम प्रयास करें जब पूजा में सुबह सुबह बैठें, पाठ करें, जप करें, मंदिर में जाएं, कथा में आए, तो कम से कम उस समय हमारा मन वहीं रहे जहां हम जा रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं कथा में, प्रवचन में, मंदिर में, जप में, कीर्तन में, उस टाइम को हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे। और कलयुग में आप ध्यान करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे, जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे ना, सबसे पहले आपका मन घूमेगा, आप आंख बंद करेंगे और आपका मन यहाँ वहां अपने आप शुरू हो जाएगा। इसलिए कलयुग में ज्यादातर जो बताया गया है कि भगवान का नाम लीजिए, क्यों, जब आप राधे राधे बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, तो रा और मा के बीच में आपका मन आकर फंस जाता है और राम जी का हो जाता है और फिर हमारा क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बार सभी लोग हाथ उठाएं, हाथ उठा करके भगवान का नाम लेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे के साथ श्याम ही बोलना है, राधे बोले तो राधे में अपने आप श्याम आ जाते, पर बोलते तो ज्यादा बढ़िया, बोलने में ज्यादा आनंद आ जाएगा। तो भगवान के चरणों में मन लगाइए, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें भगवान से जोड़ देती है। भागवत का मतलब क्या होता है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है, जो भगवान का मंदिर है, भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, भगवान के भक्त हैं, वो सब क्या है, भागवत। और भागवत जीवन में कब आती है, जब भाग्योदय हो जाता है। भागवत जो भाग्य से प्राप्त हो वही तो भक्त भागवत। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान का है वो भागवत है। और भागवत के चार अक्षर है, भा ग व त। भा माने क्या होता है, भक्ति। हमारे जीवन में भगवान के चरणों वाली, भगवान को के चरणों में मन को लगाने वाली, भगवान से प्रेम करने वाली क्या हो, भक्ति हो। जब हमारे जीवन में भक्ति आएगी, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और थोड़ा ज्ञान हो जाए, नित्तो हम सिद्धो हम मुक्तो हम तवास्तम। मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, चिन्मय हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ। इस संसार में मैं आया हूँ पर ये संसार मेरा नहीं है, मुझे एक दिन संसार से जाना पड़ेगा। ये ज्ञान हमें हो जाए तब भी भागवत सुनने का पूर्ण फल मिल जाता है। भाषे भक्ति, गासे ज्ञान, तसे क्या हो सकता, मतलब तपस्वी यस्य रूपाय। तपस्या करिए, तपस्या मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब होता है, तप का मतलब होता है तपना। एक मजदूर, एक किसान अपने खेत में जाकर जब काम करता है ना, गेहूं की कटाई करता है, धान की कटाई करता है, उसकी तपस्या सच मानी वही है। उसकी तपस्या हुई तब हमारे घर में अनाज आया, भले हमने पैसे खर्च किए, पर किसान यदि अनाज उगाता नहीं, खेत में अनाज डालता नहीं, तो हमारे थाली में अनाज नहीं आ पाता। किसान की तपस्या है तब हमारे घर में, हमारे घरों में अनाज आ रहा है। तपस्या करिए,
आप जो भी कार्य करते हैं उसमें तपस्या करिए, तपस्या मरे उसको ईमानदारी से करिए और साथ में काम करते चलो, नाम जपते चलो। जो भी कार्य करिए भगवान का नाम मत भूलिए। दुनिया की बातें दुनिया में होती रहेंगी। भोजन बनाइए, ऑफिस जाइए, दुकान में बैठिए, घर में बैठिए, ट्रेन में जाइए, तो राधे 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 जपते जाइए। अब आप राधे राधे जपेंगे तो हो सकता है पड़ोसी, बगल के सीट वाले और लोग बोले अरे भाई बूढ़े हो गए क्या अभी से राधे राधे जपते हो, लोग बोलेंगे। जब आप भगवान का नाम युवावस्था में लेंगे तो लोग बोलेंगे आप दिन भर भगवान का नाम राधे राधे बोलते रहते हैं, क्योंकि भक्ति हमारे जीवन में जब आती है तो विरोध भी बहुत होता है। और सत्य मानिएगा, आपको सही काम करने से रोकने वाले हजार मिल जाएंगे। अच्छा काम करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मंदिर जाएंगे, कथा सुनेंगे, लोग आपको रोकेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपका उपहास भी करेंगे। पर कोई व्यक्ति बुरा काम करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, नशा करे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छी चाहने बाधाएं आती है तो क्या करना चाहिए, तपस्या। और आखिरी में क्या है, कैसे तपस्या और वाह बने, वाह बचा है ना, वाह मतलब वैराग्य। जब ज्ञान आ जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, मैं एक यात्रा में हूं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, वैराग्य आ जाता है। फिर हमारा मोह घर में, परिवार में, संसार में, पुत्र में, पति में, पत्नी में, मकान में, दुकान में मोह नहीं रहता। काम तो करते हैं पर मोह नहीं होता। नुकसान हो जाएगा तो दुख नहीं होगा और फायदा हो जाएगा तो ज्यादा खुशी भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के चरणों में मन लग गया। तो भागवत से हमें क्या होता है, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य और ता माने तपस्या। जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या जिस घर में, जिस मनुष्य के पास होती है, वहां भागवत अपने आप पहुंच जाती है। या तो हमारे जीवन में ये आ जाए तब भी भागवत हमें मिल जाती है। और आखिरी में कहा गया भाग्यवत, जो भाग्य से प्राप्त हो जाए, किस्मत से मिल जाए, वही श्रीमद् भागवत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का नाम जपें तो क्या करना है, भगवान के चरणों में मन लगाना है। यम प्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विवाहता पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेतो तं सर्वभूतहृदयं निवारयोऽस्मि। श्रीमद्भागवत जी में पहले मंत्र में, पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। पहला नाम भगवान का आया, क्योंकि भागवत क्या है, भगवान का स्वरूप भी है ना, वाणी वांग्मयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत, इसलिए भगवान का पहला नाम आया। प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा, भूमि का जो मालिक होगा, उसी का नाम रहता है ना रजिस्ट्री में, बाकी सबका होगा परिवार में, लेकिन जो मेन होगा, प्रमुख व्यक्ति होगा, उसका नाम पहले आएगा। ऐसी भागवत में भगवान के अलावा हजारों भक्तों की कथा तो है, सभी देवताओं की कथा है, लेकिन भगवान का नाम पहले क्यों, क्योंकि भगवान भागवत के स्वरूप है, भगवान भागवत के प्रमुख है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया गया। यम प्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरेऽजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्गोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं निवारयोऽस्मि। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय मंत्र में स्वामी सुखदेव जी का वंदन किया गया। सुखदेव जी कौन है, सुखदेव स्वामी वो है जिन्होंने श्री परीक्षित महाराज को, राजा परीक्षित को सात ही दिन में भागवत सुना करके मोक्ष दिखा दिया, सीधे वैकुंठ भेज दिया देखते देखते। उन श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम आप सभी लोग क्या करते हैं, बारम्बार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया गया। इसके बाद क्या हुआ,
जैसे आप हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर इस प्रांगण में आते घर में सुन रहे यहाँ पर, ये एक स्थान है, पवित्र स्थान है। क्योंकि जहाँ भागवत जी जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में भागवत जी पहुंच जाती है, वहाँ क्या होता है? तीर्थ रूपम चयस्य, तीर्थ हो जाता है। अब ये तीर्थ हो गया पर जिम्मेदारी हमारी है, भागवत समाप्त होने के बाद भी ये तीर्थ बना रहे, हमारी जवाबदारी तीर्थ को में ही बन गया। यहाँ भागवत जी आ गई, जैसे हम लोग यहाँ भागवत सुन रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक स्थान है, नाम है नैमिष अरण्य। क्या है? नैमिष अरण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है, सीतापुर जिले में नैमिष अरण्य। नैमिष अरण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि, कितने? 88,000 लोग, 88,000 संतजन एक साथ पूजा पाठ करके, जप करके, तपस्या करके बैठे, तो क्या बोलते हैं? सौनकादिक मुनि। और दुनिया की जितनी भी पुराण है ना, जितनी भी कथा है, सब सुने हैं ये सौनकादिक मुनि, कोई ना कोई कथा सुनते रहते हैं। क्योंकि बहुत यज्ञ किए, बहुत पूजा किए, बहुत पाठ किए, बहुत दान किए, पर मन शांत नहीं हुआ। और मन को शांत करना चाहते हैं, जीवन में आनंद लाना चाहते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ मत करिए, श्रीमद् भागवत को ले आइए। या तो श्रीमद् भागवत आपके घर में ना हो पाए, तो जहाँ भागवत हो वहां चले जाइए, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो 88,000 संतजन आज बैठे हैं, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। सूत जी महाराज जो है ना, 16 साल के हैं, और जैसे ही उस सभा में आए, उस ग्राउंड में आए, सारे के सारे महात्मा खड़े हो गए सूत जी को देख। क्यों खड़े हो गए? 88,000 संतजन जो उनकी बड़ी लंबी उम्र है, बड़ी बड़ी आयु वाले हैं, और बड़ी बड़ी उम्र उनकी, हजारों बार उनके सामने इंद्र बदल चुके, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार बदल गए, इतनी लंबी उम्र है। पर सूत जी महाराज जैसे ही आए खड़े हो गए, क्योंकि जब भी कोई ज्ञानी, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई श्रेष्ठ आए तो खड़े हो जाओ। खड़े होने से क्या होता है? सम्मान करने से क्या होता है? हमारा जो अहंकार है, हमारा जो मद है, हमारा जो घमंड है, वो सब खत्म हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है। और क्या होता है? प्रभु की प्राप्ति होती, विनम्रता आ जाती है, और लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छाई अभी बची है, कि हम बुजुर्गों को, गुरु जी को, माता पिता को, संत को, ब्राह्मण को देखकर अभी भी सम्मान कर पाते हैं। 88,000 संतजन खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद बोले, महाराज आइए आइए, बड़ी कृपा की आपने, जीवन में बस पूजा किए, पाठ किए, परिवार चलाए, भोजन किए, सो गए, कुछ किए नहीं, आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आपके चरणों में प्रणाम। तो सूत जी महाराज संकोच में पड़ गए। क्यों पड़ गए? सूत जी महाराज की उम्र केवल 16 साल है, और बड़े बड़े महात्मा प्रणाम करते हैं, बोले, महाराज आप सब मुझसे बड़ी उम्र में हैं, आप मेरे सामने खड़े होते हैं, मुझे बड़ा संकोच होता है। तो संत कहते हैं, 88,000 के महाराज, हम आपसे, आप हमसे छोटे हो तो क्या हुआ? हमसे छोटे आप आयु में तो है ना, पर ज्ञान में तो आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, आपके पास ज्ञान बहुत बड़ा है, और जो ज्ञानी होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वही सबसे बड़े माने जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है ना, धने वृद्धा वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे प्रिया वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, जो धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके सामने लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कभी कोई काम पड़ जाएगा, पैसे मांगने पड़ेंगे तो देगा, और नहीं खड़े होंगे, नहीं सम्मान करेंगे, तो फिर हमको मिलने वाला नहीं है। अपने फायदे के लिए लोग खड़े होते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, कोई बलवान व्यक्ति आ जाए, ताकतवर आ जाए, तो भी लोग प्रणाम करते हैं, राधे राधे करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, आइए आइए आइए, बलवान है, ताकतवर है, जीत नहीं पाएंगे।
आयु में कोई आयु में बड़े आ जाए, उम्र में बड़े आ जाए, बुजुर्ग आ जाए तो कहना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आयु में कोई बड़ा हो तब भी प्रणाम करना चाहिए। और शास्त्र कहते कोई आयु में बड़ा हो, कोई धनवान हो, कोई ताकत पर हो, उनके सामने मत झुकिए। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके घर में, आपके गांव में कोई ज्ञानी आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, कोई आपका कल्याण करने वाला आ जाए, भगवान का भक्त आ जाए, तो तुरंत खड़े हो जाइए गद्दी से, सीट से, कुर्सी से और चरणों में गिर पड़िए, तो लाभ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। धनवानों के सामने मत होइए खड़े, क्योंकि धनवानों के सामने खड़े होंगे तो आपका व्यवहार है, वो व्यापार में व्यवहार भी चलता है, बलवान से डरना पड़ेगा, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। पर कोई ज्ञानी आ जाए, महात्मा आ जाए, पंडित जी आ जाए, गुरु जी आ जाए, तो झुक जाइए चरणों में, क्या होगा, व्यापार बढ़ जाएगा, परिवार में शांति आ जाएगी, ग्रह ठीक हो जाएंगे, परिवार में प्रेम हो जाएगा, और आखिरी में क्या होगा, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए 88,000 संतजन खड़े हो गए। सूत जी बोले महाराज आप खड़े हो गए, बैठ जाइए, मुझे बड़ा संकोच होता है। 88,000 संतजन बैठ गए और बोले महाराज आपसे कुछ पूछने का मन होता है। देखो जब भी कोई ज्ञानी आए, संत आए, गुरु जी आए, तो दुनिया की बातें मत करो, दुनिया की बातें दुनिया वालों से। पर कोई आध्यात्मिक पुरुष आए, गुरु जी आए, तो क्या बोलो, हे गुरुदेव, हे मेरे गुरु जी, मुझे ये बताइए भगवान के चरणों में मेरा मन कैसे लगे, मैं दुनिया से थोड़ा वैराग्य कैसे करूं, मैं ज्यादा जप कैसे करूं, मैं ज्यादा पूजा कैसे करूं, मैं ज्यादा पाठ कैसे करूं, मैं वृंदावन कैसे जाऊं। साधु से, महात्मा से, गुरु जी से केवल भगवान की बातें करते, जो सब कुछ छोड़ दिए उनसे आप दुनिया की बातें करते, जो शादी किए नहीं उनसे आप पूछते महाराज विवाह कब होगा, वो तो आशीर्वाद दे देंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा ना, लेकिन उनसे सिर्फ पूछिए प्रभु के चरणों में मन कैसे लगे। 88,000 संत जन बोले महाराज आप ये बताइए कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। कुछ नहीं पूछे महाराज, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, घर आ जाए, सब कुछ बढ़िया हो, क्या बोले, श्रेय साम यद भवे श्रेय पावनाराम च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम सत साधनम तत्पदाधनम, श्रेय साम यद भवे श्रेय। पैर धुलाए गए, आसन में बैठाया गया, तिलक लगाया गया, फूल माला पहनाई गई, चरणों में प्रणाम किए और बोले महाराज श्रेय श्रेय। महाराज जो सबसे श्रेष्ठ कथा हो, जो संसार में सबसे ताकतवर, सबसे श्रेष्ठ वस्तु हो वो हमें दीजिए। पावनानां च पावनम्, जो गंगा को भी पवित्र कर दे, जो सबके पापों को, तापों को, कष्टों को मिटा दे, वो हमें सुनाइए। और आखिरी में क्या बोले, कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत। और महाराज कृष्ण की प्राप्ति कराने का कुछ नियम बताइए, साधनम तत्वदाधुम। हमें कृष्ण की प्राप्ति, भागवत जी भी लिखा है इसको, कृष्ण प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, पति प्राप्ति, ये नहीं बोले कि धन प्राप्ति हो जाए, पत्नी आ जाए, बेटा हो जाए, ना ना ना, यहाँ पे लिखा है कृष्ण प्राप्ति करम सत्पत। हे प्रभु, सूची महाराज हमारे जीवन में कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये पूछे। और जैसे ही इतना प्रश्न किए, सूत जी महाराज मुस्कुरा गए, आंखों में आंसू आ गए, हंस पड़े, मुस्कुरा गए, बोले संतों स्वर्गाधिक ऋषियों आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। लोग पैसा मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, दुकान मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, सोना चांदी मांगते हैं, कोई संत महात्मा गुरु जी आ जाए तो बस महाराज एक और फैक्ट्री हो जाए, दुकान दो लेने वाले एक और ले ले, यही पूछते हैं लोग। लेकिन यहाँ संतजन कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत, हमें कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। सूत जी मुस्कुराए और सूत जी महाराज ने उत्तर देना शुरू किया। ऋषियों आप
जो मुझसे पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। सच तो यही है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जन्म है, वो केवल और केवल भगवान को पाने के लिए हुआ है। और यदि भगवान को पाने के लिए ना हुआ होता तो हम भगवान के मंदिर ना जाते। भगवान के मंदिर में जाने से क्या होता है? मन की शांति मिलती है, ग्रहों की शांति होती है। भाई भगवान यदि पैसे देते तो बैंक में जाते, बैंक होता ना मंदिर में, बैंक में पैसे होते हैं, मंदिर में नहीं होते हैं। मंदिर में जाने का मतलब है प्रभु हमारे सारे पाप ताप दुख कष्ट मिटा दूंगा। हाँ पर यह बात सच है, जो मंदिर रोज नियम से जाएंगे, जिनके यहाँ पूजन होगा, अभिषेक होगा, सूर्य को जल देंगे, उनके कष्ट तो मिट जाएंगे, ये तो क्लियर है। कष्ट मिट जाएंगे, सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, धन भी जितनी जरूरत है उतना आ जाएगा। जरूरत के हिसाब से हर चीज मिल जाना चाहिए, यही तो जीवन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो पूछे महाराज, हमें सब कुछ मिल जाए पर भगवान हमें जरूर मिले। कृष्ण प्राप्ति करने से सब कृष्ण की प्राप्ति हमारे जीवन में कैसे हो? सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों भगवान को पाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि भगवान का नाम खूब लो। क्योंकि कलयुग में हमारी उम्र बहुत कम है। काल करना चाहते हैं, आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें? भगवान का नाम लें। काल प्यार मुख क्रास त्रास निर्णास हेते में, काल प्यार मुख क्रास, काल माने क्या होता है? मृत्यु। और प्यार माने होता है सांप। प्रत्येक प्राणी मृत्यु रूपी सांप के गले में मुख में पड़ा हुआ है। जब ही उम्र पूरी हुई 8 सेकंड में राम नाम सत्य हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या है? काल प्यार मुख क्रासा, काल रूपी सांप के मुख के ग्रास बने हुए हैं। जैसे ही पूरा टाइम हुआ, युवराज जी ने बोला और 1 सेकंड में क्या हुआ? सब कुछ बिगड़ गया। काल प्यार मुख क्रासा क्रास निर्णास हेते, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। और अहंकार लोग बहुत बढ़ते हैं। अहंकार इतना होता है, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो हो जाएगा। पर एक क्षण का सच मानिए भरोसा नहीं है। 1 सेकंड के बाद हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है हम नहीं जानते। इसलिए वर्तमान को अच्छे से जीने का प्रयास करिए। सोचिए कहते ऋषियों, कलयुग में एक तो उम्र कम है, आयु कम है, इसके बाद लोग अहंकार बहुत करते हैं। और जिसने जीवन में अहंकार कर लिया उसने अपना स्वयं का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। बोले महाराज क्या करें? बोले कुछ मत करिए, केवल प्रभु के चरणों में मन लगाइए। बोले महाराज मन लगा तो दे, पर मन लगता कहाँ है? मन तो परिवार में लगता है, दुकान में लगता है, मार्केट में लगता है, मन भगवान के चरणों में लगता तो नहीं? तो बोले भगवान के चरणों में मन लगेगा जब भगवान से सच्चा वाला प्रेम करेंगे तब। जब परमात्मा से पक्का वाला सच्चा वाला प्रेम करेंगे तभी हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। बोले महाराज एक काम करिए, हमें कुछ ऐसा सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। बोले ऋषियों मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। सच में महाराज? बोले बिल्कुल, मैं आपको श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। वो भागवत जो भागवत देवताओं तक को नहीं मिली, देवताओं को सुखदेव स्वामी ने डांट कर भगा दिया। एवं विनिमय राते सुधारा प्रपीयता प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। जी बोले ऋषियों एक बार की बात है, जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज
भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय गंगा किनारे देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और बोले, ऋषियों गुरु जी सुखदेव जी ये अमृत ले लो और परीक्षित को पिलाकर अमर कर दो और बदले में श्रीमद् भागवत हमें दे दो। बदले में क्या दे दो? श्रीमद् भागवत हमें दे दो। सुधा तुम अमृतैव देवा तत्र समागता। देवता बोले, महाराज कृपा कर दो, करोड़ों अरबों रुपए का किसकी कोई कोई मूल्य ही नहीं है जिसका वो अमृत लेकर आए हैं। महाराज अमृत पिला दो राजा को और भागवत अमृत श्रीमद् भागवत कथा का जो अमृत है हमें पिला दो। सुखदेव स्वामी मुस्कुराए, बोले देवताओं बड़े चालाक हो आप लोग, बिना फायदे के आप कभी कोई सौदा नहीं करोगे और मैं तो श्रीमद् भागवत सुनाता हूँ देता हूँ बेचता बिल्कुल नहीं हूँ और आप मुझे खरीदने जा रहे। आपको सुनना होगा तो आते पीछे आकर बैठ जाते, अब आप सीधे मंच में आकर अमृत कलश तैयार। बोले महाराज ये ले लो और हमें भागवत दे दो। देवताओं को क्या किए? सुखदेव स्वामी ने देवताओं को डांट कर भगा दिया, सबके सामने जोर से चिल्लाए, बोले भागो देवताओं यहाँ से, आप भले ही धनवान हो भले ही पैसे वाले हो भले ही देवता हो पर भागवत तो किससे मिलती है? भागवत मिलती है भाग्य से। जन्मांतर भवे पुण्यम और कहते हैं जाकर के जब देवता चले गए तो जाकर ब्रह्मा जी से बोले, महाराज गजब हो गया, हम लोग सोचे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हम ही हैं, अमीन हैं पैसे वाले हैं, जाकर के आज हम अमृत लेकर गए तो वो बाबा जी गंगा किनारे बैठे हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, नीचे बैठ के बालू में बैठकर लेते बैठकर सुना रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं कपड़े नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी आज हमारी बेइज्जती कर दी, हमें भगा दिए। क्यों भगा दिए महाराज? हम लोग भागवत सुनने गए थे। तो ब्रह्मा जी बोले, भैया जो श्रीमद् भागवत है ना वो क्या है? साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। और ब्रह्मा जी ने एक सोने का तराजू बनाया और सोने के तराजू में एक तरफ संसार में पूरी सामग्री पूरी संपत्ति रख दी है, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ रख दिए और एक तरफ केवल श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत जी वाला पल्ला एकदम नीचे हो गया और ब्रह्मा जी के आंखों में आंसू आ गए और ब्रह्मा जी बोले, देवताओं ये भागवत कोई पोथी नहीं कोई किताब नहीं कोई ग्रंथ नहीं कोई पुस्तक नहीं। बोले क्या है महाराज? श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। अब भगवान को अगर कोई खरीद ले ऐसा हो सकता क्या? भगवान को कोई बेच दे या भगवान को कोई खरीद ले ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान की मूर्तियां आप बेच सकते हो, सामग्री आप बेच सकते हो, किताब आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो, पर भगवान को बिहारी जी को घर कौन खरीद सकता है? क्योंकि बिहारी जी क्या बोलते हैं? भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे भक्ति के माध्यम से अपना दास भी बना सकता है, पर धन में आकर अहंकार में आकर पद में आकर मेरा मेरे पास भी नहीं आ सकता। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और देवता लोग वहां से चले गए, आई चलते बिहारी जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, कन्हैया के चरणों में। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो ये राधा राधे का नाम जरा जब ले हम लोग, आज प्रथम दिवस है, भीड़ एकदम बहुत कम पर आएगी थी, अभी छह दिन बाकी है और नहीं लिया तो करिए मत, क्योंकि भगवान का नाम लेने में भीड़ की नहीं भाव की जरूरत है। भाव जिसका अच्छा होगा जिसका प्रेम प्रभु से होगा वो सुन लेगा, जिसके भाग में नहीं होगा वो नहीं आ पाएगा। तो वही चलते राधा रानी के चरणों में। राधे राधे जपले पगले राधे राधे जपले वंदे। जपना राधे राधे सभी को। राधे राधे जपले पगले राधे राधे जपले पगले भूलो न सुना। Yeah.
Thank you.